अब कुछ फ्लावर्स के बारे में हम जान लेते हैं जो कि खाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार फ्लावर का वेजिटेबल बनाया जाता है जो कि वो बहुत पसंद से खाते हैं। केरला में बनाना के फ्लावर का इस्तेमाल किया जाता है वेजिटेबल बनाने के लिए। इन महाराष्ट्र वो पकोड़े बनाते हैं सहजन के फ्लावर से जो कि बहुत ही प्यार से खाया जाता है। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट बहुत ही फेमस है उत्तर प्रदेश में क्योंकि ये इतर के लिए फेमस है यानी कि सेंट्स के लिए फेमस है और परफ्यूम के लिए। यहाँ पर ट्रक लोड होकर फ्लावर्स वहाँ के गांव में जाते हैं और इसी पर्पस से जाता है क्योंकि उन्हें इत्र बनाना होता है। इत्र बनाने के लिए वो रोज वाटर का इस्तेमाल करते हैं, केवरा वाटर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हजारों लोग इंगेज हैं इसी काम में। आप देख सकते हैं एक ग्रेनी रेसिपी बनाई जाती है। मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज वाटर एंड ग्लिसरिन, मतलब वाटर, रोज वाटर को मिक्स करके ग्लिसरिन को मिक्स करके एक ग्रेनी रेसिपी बनाई जाती है जिसे एक बॉटल में फिल किया जाता है। इसके बाद उसमें लेमन जूस का कुछ ड्रॉप्स ऐड किया जाता है जो कि विंटर के लिए बहुत अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। उसको स्किन में लगाया जाता है, जहाँ पर भी स्किन ड्राई हो गई है या क्रैक हो गई है वो उसको प्रिवेंट करती है। यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली, आपको पता है कि जो कोयल बर्ड है वो बहुत ही प्यारा मीठा गाती है। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, आपको पता क्या, आपको ये पता है कि ये जो अपना नेस्ट है वो खुद नहीं बनाती है। ये अपने अंडे क्रो के नेस्ट में देती है और क्रो इन अंडों को अपने अंडे के साथ फोड़ देता है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंगली फूड फूड के अकॉर्डिंगली तो आप देख सकते हैं ये बर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट बीक्स हैं। ये जो पहला बीक है टू टियर एंड ईट मीट, ये बीक देख सकते हैं बहुत ही पॉइंटेड है जो मीट को फाड़ने में हेल्प करते हैं। टू मेक होल्स इन वुड, ये वुड पिकर है जो कि वुड में छेद करने के काम आती है। टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, ये ऐसी बर्ड है, ह्यूमन बींग बर्ड है जो कि फ्लावर के बीच में से, नेक्टर में से जूस को निकालती है। टू फाइंड द नेक्टर्स एंड वॉर्म फ्रॉम मड एंड सोलो वाटर, ये जो बर्ड है ये वाटर में होती है जो कि इंसेक्ट्स को खाती है मड में से निकाल निकाल के। टू ब्रेक एंड क्रश सीड, आपने हेन देखा है, मुर्गी के भी कुछ इस तरह से बीक होते हैं जो कि अपने जो भी दाने हैं उसको क्रश करके खाती है। टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, ये क्रो का एक टाइप का क्रो का बीक है जो कि कट और ईट करने में हेल्प करता है। काऊ की बात करें तो काऊ के जो फ्रंट के टीथ होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं लेकिन साइड के टीथ बहुत हार्ड होते हैं जो कि उन्हें हेल्प करते हैं च्युइंग करने के लिए। कैट की बात करें तो कैट के जो टीथ होते हैं बहुत शार्प होते हैं, इसीलिए वो मीट को टियरिंग कर पाती है और कटिंग कर पाती है। स्नेक्स के जो दांत हैं वो उन्हें खाने में हेल्प तो नहीं करते हैं, इसीलिए वो जो भी प्रे है उनका उसे सॉलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं। स्क्वेरल फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, जो स्क्वेरल के टीथ हैं आगे के वो हमेशा ही ग्रो करते रहते हैं उनकी पूरी होल लाइफ तक, और ये इतने शार्प होते हैं कि वो किसी भी चीज को कुतरने में मदद करते हैं। ट्री को लेकर एक लॉ बना हुआ है, मतलब उसके काटने के अगेंस्ट में ये लॉ है। ये लॉ ये है कि अगर ट्री के आसपास बहुत सारे पत्तियां बढ़ने लग गई हो या वो जमीन को टच करने लग गई हो तो उसको काटने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, मतलब गवर्नमेंट के ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ती है। द न्यू राइस क्रॉप हैज बीन हार्वेस्टेड, द विलेज वॉज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बीहू। आपको पता है कि असम में जब हार्वेस्टिंग होती है, फसल की कटाई होती है या इसको उगाया जाता है, तब बीहू सेलिब्रेट किया जाता है बहुत ही धूमधाम से। एक बेला घाम बनाया जाता है बैम्बू ट्री का जिसे कि वो जलाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, आप देख सकते हैं, इसको मेजी कहते हैं। ये मेगा बीहू इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 एंड 14 जनवरी, ये 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है जिसमें हम मकर संक्रांति मनाते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड मेघा द 10th मंथ ऑफ द असमीज कैलेंडर, तो 14 और 15 को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। द फर्स्ट डे इज कॉल्ड
रुक का पहला जो दिन होता है 14, उसको हम रुक का कहते हैं. एंड दैट डे पीपल बिल्ड अ टेम्पररी शेड कॉल्ड बेला, एक तरह का शेड बनाते हैं उसको बेला कहते हैं, बेला घर कहते हैं. एंड इसमें सारी कम्युनिटी फीस्ट करती है, एक तरह का सेलिब्रेटिंग करती है खाने पीने के साथ. बोरा इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज इन असम. बोरा एक तरह का चावल होता है, राइस होता है, जिसका इस्तेमाल वो करते हैं. दीज आर स्टिकी राइस, ये बहुत ही चिपचिपी वाली राइस होती है. मक्तमपुर विलेज इन द पोचमपल्ली, मक्तमपुर विलेज है जो कि पोचमपल्ली है, एक टाउन में है. मलडाल कहते हैं इसे तेलंगाना में. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वीवर, यहाँ पे आधे से ज्यादा जो फैमिलीज हैं वो सिलाई के काम में इंगेज है. दैट इज वाई द स्पेशल क्लोथ दैट दे वीव इज कॉल्ड पोचमपल्ली, जो ये क्लोथ्स को स्टिच करते हैं उनका नाम है पोचम पल्ली. दीज थिंग्स हैव बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ द प्लेस ऑफ वेयर दे मेट, ये जो नाम पड़ा वो इसलिए पड़ा क्योंकि जहां पर ये बना रहे थे उसका नाम पोचम पल्ली था. लाइक कुल्लू में जिस तरह से शॉल बहुत ही फेमस है, मधुबनी में पेंटिंग बहुत फेमस है, असम में सिल्क क्लोथ बहुत फेमस है, और कश्मीरी में एम्ब्रॉयडरी बहुत फेमस है. अगर हम बात करें केरला की, तो केरला में बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस जो उगाए जाते हैं, जैसे कि तेजपत्ता, कार्डिमम एंड ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इसे गोल्ड पेपर भी कहते हैं. गरम मसाला में जो पाउडर फॉर्म में मिक्स किया जाता है, इनमें स्पाइसेस कार्डिमम होते हैं जो कि स्मॉल एंड बिग होते हैं, यानी कि इलायची बोली जाती है इसमें, स्मॉल और बिग इलायची. क्लोव, क्यूमन सीड्स यानी कि जो जीरा होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है. सिनेमम, ब्लैक पेपर, ड्राई जिंजर यानी कि सूखी हुई अदरक का इस्तेमाल करते हैं. आप देख सकते हैं ये कुछ खड़े मसाले हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने में और स्वीट्स को बनाने के लिए. ये एक महिला है जो कि डिफेंस ऑफिसर है, वाहिदा. शी इज लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म. शी इज अ डॉक्टर ऑफ इंडियन नेवी. शी इज वन ऑफ द फ्यू वुमेन हु हैज वर्कड ऑन अ नेवल शिप. शी इज द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड. दिस इज द कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बिग ऑनर इन द आर्म फोर्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज लाइक सब्सक्राइब.